फ्रेंड्स, मीनाक्षी बुटीक में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम इस तरह के दरी, चटाई, कारपेट, फ्लोर, सोफ़ा, गद्दा बनाएंगे बिल्कुल फ्री में घर पे पड़े हुए बेकार कपड़ों से। और इसे बनाना बहुत ही आसान है और आप इसे अपने पसंद से साइज बड़े या छोटी भी कर सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने पुराने दुपट्टे, साड़ियाँ जो होती है जो ख़राब हो जाती है, जिसके कलर भी ख़राब हो जाती है, वो सब लिए हैं। आप इसमें सॉफ्ट वाले साड़ियाँ और दुपट्टे का यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने एक मेन फैब्रिक लिया है, 24 इंच लंबा है और 19 इंच चौड़ा है। और इसके नीचे लगाने के लिए मैंने पुराना कपड़ा लिया है। आप चाहे तो कोई भी पुराना कपड़ा ले सकते हैं। तो ये पुरानी सलवार है, पुरानी सलवार, कुर्ती, बेडशीट, कोई भी कपड़ा ले सकते हैं। ऊपर में कोई अच्छा सा नया सा कपड़ा ले सकते हैं और नीचे में लगाने के लिए कोई भी पुराना कपड़ा ले सकते हैं। तो ऊपर के लिए मैंने ये नया ब्लाउज पीस का फैब्रिक लिया है और नीचे में लगाने के लिए पुराने सलवार का कपड़ा लिया है। और दोनों पीस को हमें इस तरह से सेट करते हुए पिन लगा लेंगे। तो देखिए, पिन लग गई है। और अब हमें क्या करना है कि पहले हमें यहाँ से 1/2 इंच पर निशान लगाना है। पहले 1/2 इंच पर ही निशान लगाएंगे। तो ये देखिए, निशान लग गई है। और फिर इस निशान को हम सीधा कर लेंगे। तो देखिए, इस तरफ से हमने 1/2 इंच पर निशान लगा लिया है, उसी तरह से दूसरे साइड भी हमें 1/2 इंच पर निशान लगाना है। तो ये देखिए, इधर से भी 1/2 इंच पर निशान लग गई है, इस निशान को भी हमें सीधा कर लेना है। तो जहाँ से हमने निशान लगाया है वहाँ से हमें सिलाई लगाना है। और फिर देखिए, 1/2 इंच के बाद से हमें 1 इंच 1/4 इंच की दूरी पे हमें निशान लगाना है। आप अपने पसंद से इसकी दूरी रख सकते हैं और सेम मेजरमेंट का हमें रखना है। चाहे तो आप 1 इंच पे या फिर 1/4 इंच या फिर 1.5 इंच पे निशान लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 1-1 इंच की दूरी पे निशान लगा रही हूँ दोनों साइड में। उसके बाद देखिए, हमें इस निशान को इस तरह से सीधा कर लेना है। पूरे में लगभग हमें निशान लगा लेना है। आप चाहे तो निशान लगा सकते हैं या फिर अंदाजे से भी इस तरह से सिल सकते हैं। तो जितने भी हमने निशान लगाए हैं उसके ऊपर से हमें सिलाइयाँ लगानी हैं पूरे में। तो ये देखिए, पहले तो हमने 1/2 इंच पर निशान लगाया है, फिर 1-1/2 इंच पर लगाया है। तो जितने भी निशान लगाए हैं उस पर हमें सिलाई लगा लेनी है, सीधी सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखिए, सिलाई लग गई है। और जो आगे भी हमने निशान लगाया है उस पर हमें सिलाई लगानी है। तो ये देखिए, मैंने आपको बताने के लिए इस तरह से निशान लगाया है। आप चाहें तो पूरे में निशान लगाने के बाद सिलाई कर सकते हैं या फिर अंदाजे से भी लगा सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने पूरे में सिलाई लगा के रेडी कर ली है। तो देखिए, सिलाई लग गई है। और अब हमने जो ये पुराने दुपट्टे लिए, ये दुपट्टे शिफॉन के हैं, काफ़ी मुलायम और पतले वाले हैं, जिसकी कलर पूरी तरह से ख़राब हो गई थी। तो इसे फेंकने से अच्छा है कि कोई काम की चीज़ बनाई जाए। तो देखिए, हमें इस तरह से पहले घुमाते हुए रोल कर लेंगे और अंदाजे से हमें इसे कट करना। तो ये देखिए, लगभग ये 11-12 इंच की है। तो लगभग हमें 10-12 इंच की चौड़ी पट्टियाँ कट कर लेनी है, जो हमने 1-1/2 इंच की कॉलम बनाया है कपड़े के ऊपर, मेन फैब्रिक के ऊपर। तो उसके लिए हमें इसके फिल करने के लिए कट करना। तो ये खींचने से फट नहीं रही थी, तो इसे मैंने फोल्ड करके कट कर लिया। ये लगभग 10-12 इंच चौड़ी पट्टियां हैं। तो इस तरह से हमें सारे पट्टियों को कट कर लेना है। तो ये देखिए, कट हो गई है। ये सब पुराने दुपट्टे हैं, कुछ साड़ियों के हैं। तो इस तरह से हमने सारे पट्टियों को कट कर लिया है। और देखिए, हमें क्या करना है, तो इस तरह से रोल रोल करते हुए लेंगे हम पीस को। और इस तरह से रोल करने के बाद इसमें एक सेफ्टी पिन लगा लेंगे, बड़ा वाला सेफ्टी पिन लेंगे। और फिर जो हमने मेन फैब्रिक रेडी किया था सिलाई लगा के, उसके अंदर से देखिए, इस तरह से हमें सेफ्टी पिन को इंसर्ट करेंगे और आगे की तरफ से खींचते जाएंगे। ये काफ़ी आसानी से लग जाता है। और देखिए, ये शिफॉन वाला दुपट्टा है तो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होता है। तो इस तरह से हम पिन को आगे की तरफ से खींचते जाएंगे और पीछे से इस तरह से देखिए, हमें खींचते हुए सेट कर लेना है। थोड़ा टाइम लगता है इसको फिल करने में, बाकी बनाना बहुत ही आसान है, बहुत सुंदर बन के रेडी होता है। तो ये देखिए, एक तरह से हमारा एक कॉलम फिल हो गया है। और सेफ्टी पिन को निकालेंगे, फिर दूसरे वाले कॉलम को हम फिल करेंगे। इस तरह से जितने भी हमने 1-1/2 इंच की जो दूरियाँ पर सिलाई लगाई हैं, उन सभी के अंदर हमें इस तरह से जो हमने दुपट्टे साड़ियों के पीसेस कट की हैं उसको हमें फिल कर लेना है। इस तरह से पिन लगाते जाएंगे और पिन के द्वारा हमें इस तरह से फिल कर लेना है, अंदर की तरफ से खींचते जाएंगे।
और ये बहुत ही आसानी से लग के रेडी हो जाती है। तो ये देखिए, इस तरह से हमें पिन को आगे की तरफ से खींचते जाना है और फिल करते जाना है। तो ये देखिए, थोड़ी सी इसमें दिक्कत होती है फैब्रिक को फिल करने में, इस तरह से सेफ्टी पिन से खींचने में, लेकिन ये काफ़ी सुंदर बन के रेडी होता है। तो ये देखिए, हमने तीन कॉलम को फिल कर लिया है और काफ़ी अच्छा ये देखने में लग रहा है। पीछे से भी आप इसे देख सकते हो, उसी तरह से हमें पूरे में फिल कर लेना है। तो ये देखिए, पूरे में हमने फिल कर लिया है और पीछे से भी देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। अब हम इसके ऊपर से दोनों साइड में सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए, सिलाई लगाने से क्या होता है कि जो अंदर से जो हमने फिल किया फैब्रिक, वो कपड़े के साथ, मेन फैब्रिक के साथ अटैच हो जाता है। तो ये देखिए, इसमें सिलाई काफ़ी आसानी से लग रही है। इसमें मैंने 18 नंबर की नीडल का यूज़ किया है। अगर आपकी सिलाई मशीन से सिलाई नहीं हो रही है तो आप इसे हाथों से भी सिल सकते हैं। तो ये देखिए, सिलाई लग गई है और इसके अंदर के साइड से जो फैब्रिक है वो कपड़े के साथ अटैच हो गया है। सिलने के बाद इसमें जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट करके हटा लेंगे। तो इसके ऊपर सिलाई हो गई है तो इसके अंदर का फैब्रिक सड़केगा नहीं। तो ये देखिए, कट हो गई एक्स्ट्रा फैब्रिक, दूसरे साइड से भी एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देंगे। तो ये दोनों साइड के हमारे एक्स्ट्रा फैब्रिक कट हो गई। अब हम इसमें पट्टी लगाएंगे। तो ये मैंने 2.5 इंच की सीधी पट्टी ली है। अब हम पट्टी को नीचे की तरफ रखेंगे, फिर इसके ऊपर से एक सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से देखिए, हमें मिलाते हुए सिलाई लगा लेना है। और ये देखिए, काफ़ी सुंदर हमारा डोरमेट, पायदान, दरी, चटाई बन के रेडी हो जाता है। और अब देखिए, सिलाई लग गई है। फिर इसे हम इस तरह से एक फोल्ड करेंगे, फिर दूसरा फोल्ड करेंगे, फिर इसके ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए, इसमें हमने शिफॉन के दुपट्टे फिल किए हैं, तो इसमें काफ़ी आसानी से सिलाई लग जा रही है। अगर आपको सिलाई मशीन में थोड़ी दिक्कत हो रही है तो आप उसे हाथों से भी सिल सकते हैं। तो देखिए, दो साइड में पाइपिंग लग गई है और दो साइड लगाना है। तो देखिए, इस साइड क्या करेंगे, हम ऊपर के साइड से लगभग हाफ इंच एक्स्ट्रा रखेंगे और मोड़ते हुए इसके ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। फिर नीचे की साइड भी हमें हाफ इंच एक्स्ट्रा रखते हुए इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा लेना है। फिर इसे सीधा करेंगे और सीधा करके एक फोल्ड करेंगे, फिर दूसरा फोल्ड करेंगे, फिर उसके ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। तो इससे काफ़ी सुंदर सा हमारा पाइपिंग लग के रेडी हो जाता है और इसे हमने बना लिया बिल्कुल फ्री में। देखिए, इस तरह से दूसरे साइड भी पाइपिंग लगा के फिनिश कर लेंगे। तो इधर से भी हमारा फिनिश हो गया है। तो ये देखिए, काफ़ी सुंदर सा हमारा गद्दा बन के रेडी हो गया है और इसे आप अपने पसंद से किसी भी साइज़ की बना सकते हैं। तो ये देखिए, कितना सुंदर सा हमारा दरी, चटाई, पायदान, आसन, गद्दा, डोरमेट, फ्लोर मेट, जो भी आप कह लें बना सकते हैं बिल्कुल फ्री में। और इसमें हमने सारे शिफॉन के साड़ियाँ, दुपट्टे यूज किए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा ये सॉफ्ट बन के रेडी हुआ है। आप इसकी लंबाई बड़ी भी कर सकते हैं और सर्दियों में दरी के रूप में यूज कर सकते हैं बेड के नीचे रखने के लिए। तो ये हमने बिल्कुल फ्री में, जीरो कॉस्ट में, घर पर पड़े हुए बेकार साड़ी दुपट्टे से बना के रेडी कर लिया है। और नीचे की लाइनिंग तो वो पुराने सलवार के लगाई है और ऊपर में मैंने नया वाला ब्लाउज का फैब्रिक लगाया है। आप चाहे तो इसके लिए भी आप पुराने कपड़े का भी यूज कर सकते हैं। तो बिल्कुल फ्री में बना हुआ आइडिया आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है, थोड़ी सी भी यूजफुल लगी है, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।